कौन है? मौसी। अरे रहते कहाँ हैं आप? क्या नाम है आपका? संगीता मिश्रा। कब हुई थी आपकी शादी? 2019 6 मई। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है ससुराल में? जब मेरी शादी हुई थी 6 मई 2019 को, तो मेरे पति बेरोजगार थे। मेरे पापा ने उनके मांगने पर समस्त घरेलू चीज़ें भी दी, सारी सब कुछ सुख सुविधा का। उनके मांगने पर दहेज में भी उनने नगद मांगा था 6 लाख रुपया। कुल मिला के 12-13 लाख की शादी करी। लेकिन उसके बाद वो मुझे धीरे धीरे परेशान करने लगे, मार तोड़ करने लगे। उन मेरी सास वो भी मुझ पर अत्याचार करती थी, घरेलू हिंसा का सब। क्या कहती थी, किस तरह मांग करती थी? वो मुझसे यही कहते थे कि तू क्या लाएगी अपने बाप के घर से, ये है वो है। पहले छोटी मोटी बातों पे झगड़ा हुआ करता था, जिससे वो बहुत मुझे मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार से प्रताड़ित करते थे। फिर मुझे घर से निकाल देते थे, 6-6 महीने मुझे लाते नहीं थे। मैं मैके में पड़ी रहती थी, मेरी माँ परेशान होती थी। उसके बाद मेरे पापा ने 2-3 बार खुद मुझे छोड़ के आए मेरी ससुराल। जब उनकी नौकरी कब लगी? जब शादी थी लगी थी, उसके बाद शादी बाद नौकरी लगी है, उससे पहले से नौकरी करते थे? शादी के बाद नौकरी लगी है। फिर नौकरी लगने के बाद क्या ताने मारने लगी? फिर उन्हें दहेज और ज़्यादा चाहिए, कहते इससे अच्छी मैं बाद में शादी करता नौकरी के बाद, तो मेरी और अच्छी शादी होती, 50 लाख की होती, 60 लाख की होती। मेरे साथ वालों की 3 लाख की हुई है। फिर उन्होंने मुझे मार्च में घर से निकाल दिया। मतलब मार्च में मैं होली पे आई थी घर से, उसके बाद मुझे लेने ही नहीं आए। इस कारण मेरी माँ सदमे में ख़त्म हो गई, हार्ट अटैक हुआ। उनकी नौकरी कब लगी? नौकरी अभी लगी थी 2021 में। उसके बाद से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? जी, उसके बाद से मुझे रखना नहीं चाह रहे, दूसरी शादी की धमकी देते हैं मुझे उनके घर वाले। किस विभाग में नौकरी लगी उनकी? उनकी लगी है राजकीय माध्यमिक विभाग में। टीचर हैं? जी टीचर हैं, करतौली में। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ? जी मैं हाउस वाइफ हूँ, एक छोटी सी वर्कर हूँ, ऐसी गुजारा करती हूँ। मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पापा किसान है, वो भी उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है। कहाँ का मायका है आपका? बदायूं। किस जगह का? जवाहरपुरी पुलिस चौकी। और ससुराल कहाँ थी आपकी? ससुराल थी भानपुर बरेली के पास में, सरदार नगर चौकी के पास में भानपुर है। आप रखना नहीं चाह रहे आपके लिए? जी मुझे रखना नहीं चाह रहे हैं, रक्षाबंधन पे मुझे मार तोड़ के घर से निकाल दिया। अब बोले हम तुझे नहीं रखेंगे, तुझे मार देंगे, मारने की धमकी देते हैं। इसके बावजूद मैं अपने पापा के साथ गई तो ताला लगा के भाग गए मेरे पति अजीत शर्मा, और मुझे घर में नहीं घुसने दिया। अब आप क्या चाह रही हैं? मैं रहना चाह रही हूँ, मैं तो तलाक देना नहीं चाह रही हूँ, और भाई मुझे रखना नहीं चाह रहे। मैं अपने लिए इंसाफ मांग रही हूँ, और मेरी सुने हर जगह। मैं SP से लेके DM साहब से लेके यहाँ तक कि माननीय योगी जी आदित्यनाथ से भी मैं मेरी बात तक पहुँचे और मुझे इंसाफ दिलाएं, जो ऐसे लोग छोड़ देते हैं लड़कियों को। शादी के बाद वो लड़कियाँ क्या करें, कहाँ जाएं? आपके को बच्चा भी है? नहीं बच्चा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसके बच्चे हो जाएंगे तो छोड़ने में दिक्कत होगी हमें। नौकरी के बाद से ही परेशान ज़्यादा कर रहे हैं? जी मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे धोखे से छोड़ गए। मेरा सारा सामान सब कुछ वहीं पड़ा, कुछ नहीं दिया, मेरा सारा जेवर भी सब कुछ ले लिया। NG न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।